had twins, and she lost them at 6 months. Oh. So that was very, very hard for us. बॉलीवुड में हर खान की किस्मत सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान की तरह नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में खान ऐसे भी हैं जो सालों तक गुमनामी की जिंदगी में तब्दील रहे हैं, लेकिन आज एक बार फिर से उनका नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री में जोरों शोरों से लिया जा रहा है। खबरें हैं कि वो एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। फिल्म का नाम है बिस्फोट और इस एक्टर का नाम है फरदीन खान, जो अपने वक्त के एक दमदार अभिनेता के रूप में उभरते हुए सामने आए थे, लेकिन कुछ एक फिल्मों के बाद ही ये डूब गए थे नशे में और इसके बाद उन्होंने अपने पिता को खोया और अपनी जिंदगी में कई तरह के दुखों का पहाड़ों का इन्होंने सामना किया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फरदीन खान की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स के बारे में, जिन्हें भुला करके, जिनसे जूझ करके आज वो इंडस्ट्री में एक बार फिर से अपना कमबैक कर रहे हैं। फरदीन खान ने पहली बार खुद अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में एक इंटरव्यू के दौरान खुलकर बातें की हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी जिंदगी बदल गई, वो ड्रग्स के शिकार हो गए, उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। फरदीन खान अब पूरे 11 साल के बाद फिर से फिल्मों में वापसी कर रहे हैं। दिवंगत अभिनेता फिरोज खान के बेटे फरदीन खान पिछली बार साल 2010 में फिल्म दूल्हा मिल गया में नजर आए थे। उसके बाद फरदीन ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। इतना ही नहीं, फरदीन कुछ समय के लिए भारत छोड़कर लंदन में भी जा बसे थे और अब फाइनली फरदीन पूरे 11 साल के बाद कुकी गुलाटी के निर्देशन में बन रही फिल्म विस्फोट के साथ अपना कमबैक कर रहे हैं। इस फिल्म में फरदीन के साथ रितेश देशमुख भी लीड रोल में है। फिल्मों में वापसी कर रहे फरदीन ने बॉलीवुड हंगामा के साथ हुए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में खुलकर बातें की हैं। फरदीन ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने इतने सालों से फिल्मों से दूरी बना ली थी, साथ ही ये भी बताया कि क्यों वो अपनी पत्नी नताशा के साथ लंदन रहने चले गए थे। इंटरव्यू में फरदीन ने बताया कि वो काफी बुरे दौर से गुजरे हैं। उन्होंने पहली बार इस पर खुलकर बातें की। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के गुजर जाने के बाद मुझे कुछ समय की जरूरत थी, मैं कठिन समय से गुजर रहा था। मेरे पिता के गुजर जाने के कुछ ही महीनों के बाद 2009 में मुझे अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा डर था और उस दौरान नताशा और मुझे फैमिली प्लानिंग भी करनी थी, लेकिन बच्चा पैदा करना हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती थी। फिर फाइनली हमने IVF का रास्ता चुना। पहले हमने इसके लिए मुंबई के डॉक्टरों से कॉन्टैक्ट किया, लेकिन मुंबई में डॉक्टर्स के साथ उनका अनुभव काफी बुरा रहा था। नताशा को इसे काफी प्रॉब्लम हुई क्योंकि IVF आसान नहीं है। फरदीन ने आगे कहा कि 2011 में फिर वो लंदन शिफ्ट हो गए। वहां उन्हें काफी अच्छा डॉक्टर मिला जो इस मामले में एक्सपर्ट थे और फिर उन्हें जुड़वा बच्चे हुए, लेकिन 6 महीने में ही उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। ये समय उनके लिए काफी कठिन रहा और वो पूरी तरह से टूट गए थे। इसके बाद फाइनली उनकी जिंदगी में उनकी बेटी आई और कई सारी खुशियां भी लौट आई थी। आपको बता दें कि अब फरदीन खान अपनी बेटी के साथ ज्यादातर वक्त बिताते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, फरदीन खान को बेटा भी है जिसके साथ वो अक्सर अपना वक्त बिताते हुए नजर आ जाते हैं। वेल दोस्तों, इतनी सारी मुसीबतों के बाद फरदीन खान ड्रग्स केस के मामले में भी फंसते हुए नजर आए थे, जिसके लिए उन्हें सालों तक सजा सुनाई गई थी। हालांकि अब उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि फरदीन खान ने 10 सालों तक फिल्मों से दूरी बनाई और अब वो इंडस्ट्री में अपना कमबैक कर रहे हैं। वेल दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर खान की किस्मत सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की तरह नहीं होती, ये बात तो साफ है, लेकिन फरदीन खान की तरह इतना हिम्मती होना और दोबारा से कमबैक करना ये भी कोई कम बात नहीं है। वेल देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि एक बार फिर से इंडस्ट्री में कमबैक करते हुए फरदीन खान अपनी उसी लाइमलाइट में, अपनी उसी चमक दमक वाली ग्लैमर वर्ल्ड की दुनिया में दमदार एंट्री कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल उन्होंने अपनी फिल्म विस्फोट की शूटिंग कंप्लीट कर ली है और इस वक्त वो अपने परिवार के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं और अपनी तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वेल दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि फरदीन खान से जुड़ी सारी बातें जानकर आपको कैसा लगा और इस पर आपकी क्या राय है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।